हाय फ्रेंड्स, सितंबर के महीने में एक बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैम्स की हम बात करें। कौन है कैम्स, ये कौन सी कंपनी है और ये इतना बड़ा आईपीओ क्यों हो सकता है, हमें इसमें क्यों लगाना चाहिए। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं आपको, इसका विश्लेषण इसका एनालिसिस करने से पहले आई गिव इट अ थम्स अप और मैं कहता हूँ कि दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर द आईपीओ ऑफ कैम्स दे मस्ट गो फॉर इट। Just look at the video completely to know the reasons why we should apply for the CAMS IPO. पूरा वीडियो देखेगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों लगाना चाहिए। इसके फाइनेंशियल फिगर डालेंगे, इसके कुछ ऐसे मुख्य कारणों को देखने की कोशिश करेंगे जिससे हमें यह पता लगेगा कि हमें CAMS के IPO में क्यों पैसा लगाना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं और ये बताने में मदद करते हैं कि आपके लिए और हम क्या कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं CAMS के IPO में आपके लिए क्या है। कौन है कैम्स दोस्तों? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज CAMS लिमिटेड इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार, ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों हमने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है किसी न किसी माध्यम से, SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से। वहाँ जब भी हम बात करते हैं रजिस्ट्रार की, एक ऐसी एजेंसी की जो हमारे म्यूचुअल फंड्स का लेखा जोखा रखती है, जो हमारे पूरे रिकॉर्ड्स रखती है, वो है कैम्स। दो बड़े रजिस्ट्रार है दोस्तों, कैम्स और कार्बी। कार्बी के बारे में आप जानते हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कार्बी के अंडर में आते हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कैम्स के अंडर में आते हैं। कार्बी का तो शेयर नहीं है दोस्तों, बट हाँ कैम्स अपना आईपीओ लेके आने वाला है, बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है, बहुत ही शानदार आईपीओ होने वाला है दोस्तों। एज पर द क्रिस्टल नवंबर 2019 रेटिंग्स, इट हैज 69.4% म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर। सोचिए, मतलब अराउंड 70% ऑफ म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर सिर्फ कैम्स के पास है। तो ऐसी कंपनी के पास तो हमें आंख बंद करके लगाना है। दोस्तों आप आईपीओ में लगाने की बात कर रहे हैं, आईपीओ सोच रहे हैं, पर क्या आपने डीमैट अकाउंट खोला है? अगर नहीं खोला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, सेलिसव्यू, IIFL, बहुत सारी कंपनीज के आपको लिंक मिल जाएगी जिसपे चाहे जाके अकाउंट खोलिए और अपना आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास इस कैम्स के आईपीओ में। दोस्तों इसका प्रमोटर है ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और अगर हम बात करें कैम्स के आईपीओ की डिटेल्स की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 21 सितंबर टेंटेटिव, अभी फिक्स डेट नहीं की गई है, बट हाँ 21 सितंबर के आसपास में एक टेंटेटिव डेट का अनाउंसमेंट है। लगता है कि उसके आसपास ही आईपीओ ओपन होगा, पर आप अपनी तैयारी करके रख सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट्स को खोल के रख सकते हैं, कैश अपने पास रख सकते हैं। ऑफर फॉर सेल के जरिए शायद ये आईपीओ आने वाला है, और इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स आपके लिए ऑफर फॉर सेल में होंगे, दैट विल बी 1,21,64,400 शेयर्स। टोटल आईपीओ साइज इतने शेयर्स का रहने वाला है, 1,21,64,400 शेयर्स का आईपीओ रहने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई करने को मिलने वाला है। मिनिमम बिड अपडेट की जाएगी, अभी डिटेल्स नहीं है। 10 रुपये पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू मानी जा रही है और 35% रिटेल को एलोकेट किया जा सकता है, बहुत बड़ा चंक है दोस्तों। तो मैं इसके लिए जाने वाला हूँ, लिस्टिंग होगी NSE और BSE के ऊपर में। दोस्तों अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें कैम्स की, तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर में, फाइनेंशियल 2017 से लेके अगर क्रोर्स की बात करें, जहां रेवेन्यू 502 करोड़ का था, अभी हाल फिलहाल 2020 में बिजनेस हिट हुआ है कोविड की वजह से, चलते हुए लोगों ने म्यूचुअल फंड्स को निकाला है, बट 2019 में ये रेवेन्यू 711 करोड़ तक चला गया था। कोविड-19 के चलते तो सारे बिजनेस हिट हुए दोस्तों, जब लोगों को लगता है कि कमाई नहीं होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही बाजार में तेजी आएगी, जैसे ही बाजार में हरियाली आएगी, लोगों को लगेगा कि वापस से बाजार चलने वाला है, IPOs आने लगेंगे, म्यूचुअल फंड्स में फिर से पैसा लगना शुरू हो जाएगा। दोस्तों लोगों का सेंटिमेंट बाजार के साथ होता है, जैसे ही सेंटिमेंट ठीक होगा IPOs में फिर से बाढ़ आ जाएगी। एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस घटे हैं, ऑफकोर्स घटने ही थे, नेट इनकम भी घटी है, वो भी घटनी थी, बट फिर भी मेंटेन है। नेट मार्जिन पहले 24% के थे, 22.9% के मार्जिन को अभी भी मेंटेन किया हुआ है, जो मेरे लिए फेयर एनफ है दोस्तों। रेवेन्यू पार्ट आपको 50% के आसपास घटता दिखाई दे रहा होगा 19 से लेके 2020 में, बट चलेगा यार, ये कोविड-19 ने बहुत बिजनेस खराब किए हैं, बट यहाँ भी फिर भी ये बिजनेस मेंटेन है और यहां से ग्रो करने की पूरी पूरी संभावना है, ये मौका रहेगा। वैल्यूएशंस अगर कैम्स की दी जाए, एज ऑफ 2019 ही अवेलेबल थी, उसको देखा जाए तो EPS 26.75 की है, फेयर एनफ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ROE से पहले 29.56% की, वेरी वेरी अट्रैक्टिव है। नेट एसेट वैल्यू ₹90.50 पर शेयर की नेट एसेट वैल्यू इसकी अभी भी है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार हैं। और दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है? अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। आपको जीरोधा, अपस्टॉक्स, IIFL, LSBLU, जिसमें भी आपको अप्लाई करना है, जो भी अकाउंट आप रखते हैं, नहीं है, नया खोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप अपना डीमैट के थ्रू
नया आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैं कैम्स के आईपीओ की वेट कर रहा हूँ डेस्परेटली, आपको भी वेट होनी चाहिए, अपनी तैयारियां कर लीजिए। जैसे ही डेट अनाउंस होगी, जैसे ही फाइनल घड़ी सामने आएगी, पास आएगी, मैं अप्लाई करने वाला हूँ, आप भी अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।